पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। भाई मम्मी परेशान हो रही होगी कि हम दोनों अभी तक घर क्यों नहीं पहुंचे। महेंद्र काका को लेकर वो ऑलरेडी टेंशन में, ऊपर से ये हो गया। कैसा लगेगा उसे जब उसे पता चलेगा कि हमारे 15 लाख डूब चुके हैं। कौन बताएगा, तू? लेकिन आज नहीं तो कल बताना तो पड़ेगा ना। वो सब छोड़ो, यहां से बाहर कैसे निकलेंगे? सर सर एक फोन कॉल कर सकता हूँ प्लीज? एक फोन कॉल। एक फोन ना? हाँ एक फोन दो उनको। हाय, इतना रिलैक्सिंग है ये। थोड़ा यहाँ भी दबाना। अशोक, डॉक्टर ने जो एक्सरसाइज बताई वो तुम कर रही हो ना? घर के काम काज किचन ये सब एक्सरसाइज से कम है क्या अशोक? हेलो भास्की, मम्मी को पता ना चले वैसे अमीर भाई को लेकर आया तुरंत। अश्विन तुम कौन से पुलिस स्टेशन में हो? पांड्रा। ठीक है मैं अभी पहुंचता हूँ। अश्विन पुलिस स्टेशन में क्या हुआ? अशोक, अश्विन और चिराग को पुलिस ने अरेस्ट किया है। बिल्डर के ऑफिस में कोई प्रॉब्लम हुआ है। अशोक ये बात अभी किसी को भी मत बताना, खासकर पुष्पा काकी और दीप्ति को तो बिल्कुल भी नहीं। मैं वहां जाके पता करता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना, मैं तुम्हें फोन करूंगा ठीक है? तेरी सारी यादें लौटा दी चिराग, पर ये नहीं लौटा पाए। प्रार्थना, अभी तक सोई नहीं बेटा? बस सोने ही जा रही थी पापा। अच्छा, जय की लंदन जाने की टिकट आ गई है 14 तारीख को, अब सीधा 6 महीने बाद वापस आएगा। उसने बताया मुझे। हाँ, भगवान का जितना पाड़ मानू उतना कम है कि जय जैसा लड़का मिला और उस शर्ट चोर चिराग से छुटकारा। अभी नहीं समझेगी, बाद में कीमत समझेगी पापा की। यकीन मान बच गई। अरे ये क्या है? मैं क्या कह रही हूं? तू कहेगी तो पता चलेगा ना कि क्या कह रही है। ये पुष्पा महेंद्र के बारे में इतना कुछ सोच रही है, आप भी कुछ कीजिए ना। आपकी तो इतनी सारी पहचान है, ये किडनी ट्रांसफर के बारे में किसी से बात कीजिए ना। बैठ 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 सुशी। मनी ट्रांसफर होता है, किडनी ट्रांसफर नहीं होती, वो ट्रांसप्लांट होती है। तुमने समझा ही ना? बस तो बची, तो आप किसी से बात कीजिए ना ये किडनी डोनेशन के बारे में। ठीक है, बापूद्रा प्रहलाद से बात करेगा, उसने अपनी माँ को किडनी दी थी, तो ये किडनी ट्रांसप्लांट का सब नॉलेज और इन्फॉर्मेशन और वो पहचान वगैरह सब उसके पास है। चल ना, कल बात करता हूँ। चलो अभी सोते हैं। ये ले बेटा, गुड नाइट। गुड नाइट। चलो। ओ, 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 ओ,
तुझे बुला नहीं पा रही हूँ चिराग, ऐसे रहूंगी तेरे बिना। सर ये मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं उनकी बेल करवाने आया हूँ। वकील पेपर भास्की, आमिर भाई कहाँ हैं? वो घर पे नहीं थे, मैंने उनको मैसेज कर दिया है। यार सर, सर आप ही बताइए, अगर आपके पैसे इस तरह डूब जाएंगे आपको गुस्सा तो आएगा ना? आपका गुस्सा जायज है, लेकिन कानून को हाथ में ले नहीं सकते आप। आप ऑफिस में जाके तोड़ फोड़ मारपीट नहीं कर सकते। हमारे पास बिल्डर के खिलाफ आप सबका कंप्लेंट है, हम लीगल एक्शन लेंगे, लेकिन आप लोग को भी कानून पे भरोसा करना पड़ेगा। सर तब तक बहुत देर हो जाएगी, एक मिडिल क्लास आदमी के लिए 15 लाख रुपए की अहमियत क्या है, प्लीज समझिए सर, प्लीज प्लीज। अश्विन, आमिर भाई आ जाएंगे, तू शांत रहे बस। हेलो इंस्पेक्टर। यस आई एम एडवोकेट लकड़ावाला, अश्विन एंड चिराग पटेल लॉयर। ये उनकी बेल के पेपर्स है। ऑलर लेके आओ दोनों को। आप कौन है, किसने भेजा है आपको? अश्विन कब से फोन ही नहीं उठा रहा है, रुचि लोमड़ी की भी कोई खबर नहीं है। दीप्ति, अश्विन तुझे बोल कर गया क्या कि कहाँ जा रहा है? हाँ माँ, अश्विन को ऑफिस में लेट होगा, चिराग का पता नहीं, आपको उनसे किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर ही बात करनी है ना, उसी की जल्दी है ना? हाँ दीप्ति, लेकिन तुम दोनों ऐसा मुझे गलत मत समझो, हाँ बुरा मत मानो, बस मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं अपनी जान जोखिम में डालूं उतनी गैर जिम्मेदार नहीं हूं। एक बार चेकअप करवा लेते हैं, अगर कोई भी रिस्क निकला ना हेल्थ को लेकर तो मैं किडनी डोनेट नहीं करूंगी, बस प्रॉमिस, गॉड प्रॉमिस। और भी किडनी मैच होगी नहीं होगी ये भी तो नहीं पता, अगर मैच ही नहीं हुई तो कोई बात ही नहीं, लेकिन मैं तुम लोगों की फुल सहमति के बिना ये नहीं करना चाहती। अश्विन चिराग हाँ बोले ना तो भी नहीं, पर एक बार बछड़े महेंद्र के बारे में भी तो सोचो। देखा नहीं, पूरी चाल में सरन सर के अलावा कोई जीव राजी नहीं हुआ, और एक उस ढोंगी के अलावा। मम्मी अनफॉर्चुनेटली वो किडनी दे नहीं सकते, कैंसर था उन्हें। तभी तो महान बन रहा था सबके सामने। तुझसे बहस करना मतलब फॉरगेट इट। तू अश्विन को फोन लगा, देखना कहाँ है। नहीं उठा रहा। लुचे लोमड़ी कहाँ रह गई ये दोनों? थैंक यू मिस्टर लकड़ा। यू वेलकम मिस्टर पटेल। क्यों किया ये? आपसे मदद मांगी हमने? बेटा बच्चे मदद मांगे तब तक रुकता नहीं है बेटा, कल सैटरडे और परसों संडे, अगर आज बेल नहीं करवाता तो 2 दिन तक यहीं पे रुकना पड़ता। आपको कैसे पता चला हम लोग अरेस्ट हुए? बाप हूं तुम्हारा बेटा, इतना ख्याल तो रख सकता हूं ना, मेरे आंख और कान हर जगह है। हम पे नजर रखना बंद कीजिए आप, कोई ऐसा नहीं चाहिए आपका, यू स्टे आउट ऑफ अवर लाइफ। वरना मैं भाई अभी हम पुलिस स्टेशन के बाहर हैं, इसीलिए कोई बवाल नहीं। अगर आज बेल नहीं करवाता ना तो रात को यहीं रुकना पड़ता। क्या बोलते अपनी मम्मी को? अच्छा बच्चा है ना माँ का, लाडला है, उसका दिल टूट जाता, ये चाहे जितना कोस लो, पर बाप हूं तुम्हारा, तुम दोनों मेरी जिम्मेदारी हो, और देर से ही सही ये जिम्मेदारी मैं निभा के रहूंगा जरूर। जेल की सजा भुगत चुका हूं मैं,
तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कैसा नरक है वो। मैं दुश्मन को ना भेजू वहां पे, सगी औलाद तो दूर की बात है। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।